दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप SBI का IRCTC का जो रुपे क्रेडिट कार्ड है वो आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इस कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट आपको बताएंगे एंड इस कार्ड को आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। सारा प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए, इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे है, सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम चलते हैं SBI की वेबसाइट पे और वहाँ पे आपको फीचर्स एंड बेनिफिट भी हम आपको बताएंगे एंड इस कार्ड को आप किस तरह से आप अप्लाई करते हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आप इजीली आ सकते हो। तो यहाँ पे इस कार्ड के कुछ बेनिफिट वगैरह दिए हैं, जैसे कि फीचर्स एंड बेनिफिट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो हम इस कार्ड के आपको फीचर्स एंड बेनिफिट बताएंगे, उसके बाद इस कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद आप इस कार्ड को घर बैठे किस तरह से आप ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो वो बताएंगे। तो फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट में, आपको सबसे पहले तो वेलकम बेनिफिट में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नो ज्वाइनिंग फीस 31 मार्च 2021 तक आपको कोई भी इसका ज्वाइनिंग फीस नहीं लेगा। जैसे कि 31 मार्च 2021 के बाद इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हो सकता है, जैसे कि अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो 45 डेज के अंदर, जैसे कि अगर आपको कार्ड मिल गया, जैसे कि अगर आपका कार्ड अप्रूव होता है आपको मिल जाता है, उसके बाद जैसे 45 डेज के अंदर अगर आप कोई भी 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको 350 एक्टिवेशन रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको इस कार्ड पे आपको मिल जाते हैं। वैल्यू बैक के बेनिफिट में आपको जैसे कि आपको बता दें कि जैसे कि अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर रेलवे टिकट अगर बुक करते हो, जैसे कि AC1 AC2 AC3 AC एंड CC का, तो आपको यहाँ पे 10% का वैल्यू बैक रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की जो प्राइस रहते हैं वो 1 रुपीज़ रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बेनिफिट की अगर बात करो तो यहाँ पे गेट रिवॉर्ड्स पॉइंट एवरी 125 मिनट पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप 125 रुपये का ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इस पर 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट इस पर मिल जाते हैं। तीसरे बेनिफिट की अगर बात करो तो यहाँ पे ट्रैवल ऑफर फ्रॉम IRCTC, उसमें जैसे कि आपको सेव 1 ट्रांजैक्शन चार्जेस रेलवे टिकट बुकिंग, जैसे कि आपको बता दें कि अगर आप रेलवे का टिकट बुक करना चाहते हो, जैसे कि IRCTC की वेबसाइट से अगर आप रेलवे टिकट बुक करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का ट्रांजैक्शन जो चार्जेस रहता है वो नहीं लेगा। चौथे बेनिफिट की अगर बात करो तो यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर रहता है, जैसे कि अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हो तो उस पर आपको कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, जैसे कि अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा का अगर ट्रांजेक्शन करते हो कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो ये यहाँ पे वेवर हो जाते हैं इस कार्ड पे। अभी सारे क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आसान भाषा में अगर कहूँ तो इस कार्ड से अगर आप IRCTC वेबसाइट से अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको कैशबैक वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको इजी बिल पे का ऑप्शन दिया जाता है इस कार्ड पे। और बेनिफिट की अगर बात करते हो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI, जैसे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे 3000 के ऊपर का तो यहाँ पे आपको EMI का ऑप्शन भी यहाँ पे इस कार्ड पे शो हो जाता है। फिक्सेबल पे का भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि SBIcard.com पे। रेलवे टिकट भी आप इस कार्ड से बुकिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे कि IRCTC की वेबसाइट से। तो फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। जैसे हम फीस एंड चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट अनुअल चार्जेस जो है 500 रुपये वेवर किया जाता है, जैसे कि अगर आपको 31 मार्च 2021 से पहले अगर आपको ये कार्ड मिल जाता है तो। रिन्यूअल फीस यहाँ पे 300 रुपये लग जाता है और एड ऑन फ्री यहाँ पे नील रहता है। अगर आपको इस कार्ड पे एड ऑन कार्ड चाहिए तो इसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। कैश एडवांस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि अगर आपका कुछ भी लिमिट हो, अगर 50,000 रुपीज़ आपको कार्ड का लिमिट मिल जाता है, 80% आप कैश निकाल सकते हो। बट इसमें भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश वगैरह निकालते हो तो उस पर आपको कितना चार्जेस वगैरह लग सकता है, इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे जो लिमिट दी है 12,000 पर डे आप निकाल सकते हो और प्री क्रेडिट पीरियड रहता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि आप इस कार्ड को आप किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम आपका जो भी नाम है आपका वो डालना है, जैसे कि हम यहाँ पे अपना नाम डालते हैं। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिटी चॉइस करना है, जो भी आपका सिटी रहेगा। तो यहाँ पे हम अपने सिटी का नाम डालते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालते हैं। जैसे हम ये सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे टिक मार करेंगे एंड आई वेंट टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। जैसे आप आई वेंट टू अप्लाई नाउ करोगे उसके बाद ये जो रिक्वेस्ट है SBI बैंक की तरफ जाएगा और उसके बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल वगैरह आ सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं जैसे कि इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो इनकम प्रूफ वो मांगेंगे, अगर आपका बिजनेस है तो आपको यहाँ पे ITR वगैरह देना पड़ेगा। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे तो आई थिंक 15 वर्किंग डेज का टाइम लगता है कार्ड आपको मिलने तक। तो 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद बोल रहा हूँ। और अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो कार्ड है बैंक आपके घर पर डिलीवर किया जाता है, यही प्रोसेस रहता है सारा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।